हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और इसकी सत्यता की जांच भी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़, अगर आप ऐसी ऑथेंटिक जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या है न्यूज़ मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है कि प्राइमरी स्कूल TET 2020 परीक्षा कार्यक्रम घोषित। हाँ फ्रेंड्स, जो 2020 की परीक्षा अपनी अभी जारी होने वाली 26 सितंबर से, उसका कार्यक्रम घोषित कर दिया फ्रेंड। तो क्या है कि एडमिट कार्ड जल्द वेबसाइट पर होंगे अपलोड। तो फ्रेंड्स, ये हरी भूमि की भोपाल की न्यूज़ है और आज की ही न्यूज़ है, आप हरी भूमि का ई पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, कई दिनों से लाखों उम्मीदवार कर रहे थे परीक्षा का इंतज़ार। 26 सितंबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा, दो पालियों में होगी। फ्रेंड्स, क्या है जानकारी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तारीख घोषित कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, PEB ने तारीख तो पहले ही घोषित कर दी थी। PEB द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्राइमरी स्कूल TET 2020 परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर से किया जाना है और 22 अक्टूबर तक चलेगी। मध्य प्रदेश राज्य के स्कूलों में प्राइमरी टीचर के पदों के लिए पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार MP TET प्राइमरी स्कूल परीक्षा 2020 का आयोजन MP PEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर परीक्षा कार्यक्रम के सेक्शन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो अपन पहले भी देख सकते थे, सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे से पेपर आयोजित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अपन पहले भी उसमें जानकारी है कि दो पालियों पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी कहाँ तक सत्य पाई जा रही, तो जानकारी जो आई है फ्रेंड्स, जो अपन को पहले से पता है, PEB की वेबसाइट पर यही जानकारी बहुत पहले से डली हुई है। तो फ्रेंड्स, आप मतलब अभी एग्ज़ाम एनालिसिस कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता है, कोई कैसा भी एग्ज़ाम एनालिसिस करके बताए फ्रेंड्स कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो फ्रेंड्स कोई संभव नहीं है। PEB है, एग्ज़ाम करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है। तो आप मेरा सजेस्ट कीजिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, शायद अगर 26 सितंबर से हो गई तो फिर आपको वर्ग एक वर्ग दो जैसे पछताने का मौका हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी 26 सितंबर की तरह कीजिए, पेपर हो ना हो अलग बात है फ्रेंड्स। और ये जानकारी जो आई है, ये आप लोगों को पहले से पता है, ये आप लोगों को पहले से पता है, तो आप किसी के उसमें मत आइए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट खबर के साथ। और ये जो फ्रेंड्स आपको जानकारी मिल रही, ना किसी ने ऑफिशियल ट्वीट करके कहा है, ना किसी PEB के कंट्रोलर ने कहा है, ये किसी ने जानकारी नहीं दी। बस ये पेपर वालों ने क्या किया कि वहाँ से जानकारी PEB की साइड से उठा के और डाल दी है। तो जानकारी ये है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट खबर के साथ और ऑथेंटिक खबर के साथ। जब तक लिए धन्यवाद।